हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेस में। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 60 मैथ एक्सरसाइज 4.1 और क्वेश्चन नंबर है 7। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर्स 6 तक कंप्लीट करवा चुके। अगर अभी तक आप वीडियो नहीं पढ़ पाए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जहां से आप सभी वीडियो पढ़ सकते हैं। साथ में हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहे हैं आपसे? इन द गिवन पेयर ऑफ द नंबर विच नंबर इज टू द लेफ्ट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। यानी 7A का क्वेश्चन, हमें एक क्वेश्चन दिया गया है -1.9। आपको सिर्फ इस पे ये बताना है कि -1 और 9 में से लेफ्ट नंबर कौन सा है। लेकिन ये भी बताना है कि अगर जब हम नंबर लाइन पे शो कर देंगे उसके बाद ही बताइए कि लेफ्ट नंबर कौन सा, क्योंकि इस क्वेश्चन से यही कहा गया है कि विच नंबर इज टू द लेफ्ट, यानी कौन सा नंबर होगा जो लेफ्ट यानी लेफ्ट साइड होगा ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पे। तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी, मिडिल पॉइंट आपको 0 लिखना होगा। और आप जानते हैं, मैंने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ाया हुआ है कि राइट हैंड साइड जो भी नंबर्स लिखेंगे वो प्लस में लिखेंगे, प्लस नंबर्स पे लिखेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड जो भी नंबर लिखेंगे वो माइनस पे लिखेंगे। तो देखिए, 0 से यहां पर देखिए 9 प्लस 9 किया गया है, तो इसका मतलब है कि ये तो भाई प्लस पे होगा, +1 +2 +3, और ये देखिए +4 हो जाएगा आपका, +5 है, +6 है, +7 है, ये +8 हो जाएगा, और ये आपका +9 हो जाएगा। यानी इस तरह हम नंबर लाइन यहाँ पे 9 पे शो कर देंगे। और -1 की बात करेंगे तो 0 से लेफ्ट हैंड साइड, यानी -1 यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए, नंबर लाइन पे जब नंबर शो हो गया है तो आपसे इसमें यही पूछा गया कि लेफ्ट नंबर कौन सा है। यानी क्वेश्चन आपसे यही कह रहे हैं कि आप हमें ये बताइए कि लेफ्ट नंबर कौन सा है। तो भाई लेफ्ट नंबर क्या हुआ, देखिए सबसे लेफ्ट नंबर जो भी आपको दिखे, तो -1 हमें सबसे लेफ्ट पे दिख रहा है, तो इसका मतलब आपको -1, दैट इज आंसर। बस आपको इसी तरह क्वेश्चंस आपको बताने हैं। सबसे पहले आप नंबर लाइन पे शो कर दीजिए और लेफ्ट साइड जो नंबर्स आपको मिले, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो भी नंबर्स आपको मिले, उस नंबर्स को आप लिख दीजिए, दैट इज अ आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, बिल्कुल इजिली है। क्वेश्चन में एक डाउट आपको हो सकता है और प्रॉब्लम हो सकती है क्वेश्चन नंबर बी पर, तो इसलिए पहले मैं आपको बी क्लियर करा देता हूं। तो बी आप देख लीजिए, -3, -7, तो इसको इस पर क्वेश्चंस पे भी आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। बाकी क्वेश्चन में देखिए सी डी ई एफ क्वेश्चंस हैं और बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, यही प्रोसीजर है, आपको इसी तरह क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं। मिडिल पॉइंट आपको 0 हो जाएगा, राइट हैंड साइड नंबर जो भी लिखेंगे वो प्लस पे लिखेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड जो भी नंबर लिखेंगे वो माइनस पे। देखिए इसमें दोनों नंबर दिए गए, -3 और -7 लिखा, इसका मतलब है कि 0 से हमें लेफ्ट हैंड साइड नंबर ही लिखना है। तो आपको देखिए नंबर लिख लेते हैं, -1 ये हो जाएगा, -2 ये हो जाएगा, -3 ये हो जाएगा, -4 ये, -5 ये, -6 और ये हो जाएगा आपका -7। तो देखिए हमने दोनों नंबर लिख लिए, -3 भी लिख लिया है और -7 लिख लिया है। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर लेफ्ट नंबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड नंबर कौन सा हमें नंबर्स दिया गया है, आपको वो राइट करना है। तो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर देखिए कौन सा हमें मिल रहा है, ये देखिए -7 हमें मिल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, -7। बहुत बच्चे गलतियां ऐसे करते हैं, हम आपको बताएं कैसे गलतियां करते हैं। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में -1 -9 मिल रहा था और देखिए -1 लेफ्ट हैंड साइड था, तो बस उसी को लिख दी, तो वो तो आंसर करेक्ट है, ठीक, चलिए मान लीजिए हम करेक्ट हो गया। लेकिन इसमें देखिए -3 -7, इसमें भी कह दी -3 है, तो बिल्कुल ऐसी ही गलतियां बहुत बच्चे करते हैं। तो -3 -7 पे -7 है, तो आप सबसे पहले नंबर लाइन पे शो कर लीजिए। नंबर लाइन पे शो करने पे आपको समझ में भी आ जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड नंबर हमें कौन सा नंबर लाइन पे दिख रहा है। तो नंबर लाइन पे -7 हमें लेफ्ट हैंड साइड नंबर पे दिख रहा है, तो -7 दैट इज अ राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर ए 7 का ए और बी दोनों समझ में आ गए, वेरी इजी क्वेश्चन है। सिर्फ क्वेश्चन ध्यान से अगर आप समझेंगे तो कभी भी कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं। इसे बाकी सी डी ई एफ क्वेश्चन दिए गए वो मैं आपको ड्रॉप करा दे रहा हूं। इन सभी क्वेश्चन को आप होमवर्क पे करिएगा, कोई प्रॉब्लम क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उस एक अलग क्वेश्चन आज क्वेश्चन करके उसका आंसर हम आपको बता देंगे और तब आपकी हेल्प हो सकेगी, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से समझें और पढ़ें। वीडियो पसंद आ रहे हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, तो लाइक जरूर कर दीजिए, और आप अपने क्लासेस के जो भी फ्रेंड बच्चे पढ़ते हैं उनको मेरे वीडियो शेयर भी कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक में, जिससे उनकी भी अच्छे से हेल्प हो सके और एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क गेन हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे, नेक्स्ट पार्ट पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।